हनी ट्रैप मामले की श्वेता पति विजय जैन की ओर से पुनरीक्षण अर्जी पर सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई, लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया। हनी ट्रैप मामले की आरोपी श्वेता पति विजय जैन की ओर से एक पुनरीक्षण याचिका लगाई गई, जिसके बाद आज कोर्ट में बहस हुई। कोर्ट में जहां श्वेता पति विजय जैन के वकील की ओर से तर्क रखे गए थे कि हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर ली है और पूरे ही मामले में पुलिस चालान पेश नहीं कर रही है, अतः इन्हीं तर्कों पर पुलिस की ओर से पैरवी कर कहा कि पुलिस की अभी जांच चल रही है और 90 दिन खत्म होने के बाद पुलिस चालान डायरी पेश कर दी गई। पुलिस की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजन अधिकारी अभिजीत सिंह राठौर के तर्कों से असहमत होकर श्वेता विजय जैन की पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर दी गई। श्वेता पति हनी ट्रैप वाले मामले में श्वेता पति विजय जैन की तरफ से आज जमानत याचिका लगी थी कोर्ट में, किस तरह से निर्णय सुनाया गया? सर्वप्रथम तो यह कि यह जमानत याचिका नहीं थी, यह एक पुनरीक्षण याचिका थी जो कि श्वेता पति विजय जैन के द्वारा माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विवेक सक्सेना साहब के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। मजिस्ट्रेट न्यायालय में दिनांक 2 दिसंबर 2019 को श्वेता पति विजय जैन के द्वारा आवेदन किया गया था कि पुलिस द्वारा 60 दिवस की अवधि के भीतर चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है, 70 दिनों से आरोपिया श्वेता जैन जेल में है और चूंकि 60 दिवस की अवधि में पुलिस द्वारा चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस चीज का लाभ देते हुए जमानत आरोपिया को दे दी जाए। माननीय मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा इस बिंदु का, इस आवेदन का को निरस्त किया गया। तत्पश्चात आरोपिया श्वेता पति विजय जैन की ओर से सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिसका निर्णय हमारे बीच में आ चुका है। प्रमुख तौर पर यही दो बिंदु आरोपिया द्वारा उठाए गए थे उनके अधिवक्ताओं द्वारा कि 60 दिवस की अवधि के भीतर चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है, और द्वितीय बिंदु यह कि धारा 370 ए भारतीय दंड विधान के अंतर्गत पृथक से प्रकरण सीआईडी भोपाल के द्वारा पंजीबद्ध कर लिया गया है, इसलिए इस धारा का यहां थाना पलासिया के मामले में कोई कनेक्शन नहीं है, इस आधार पर हमें जमानत पर विमुक्त किया जाए। माननीय सत्र न्यायालय श्री विवेक सक्सेना साहब के द्वारा आज पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया गया और विशेषकर हमारे द्वारा शासन की ओर से जो तर्क प्रस्तुत किए गए थे कि निश्चित रूप में 60 दिवस में चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है, परंतु यह तथ्य भी सामने आया है कि अभी तक जो साक्ष्य अनुसंधान में संकलित हुई है उसमें धारा 467 भारतीय दंड विधान एवं धारा 370 भारतीय दंड विधान का इजाफा किया गया है, और चूंकि यह दोनों धाराएं 10 वर्ष के कारावास से अधिक से दंडनीय अपराध हैं, इस कारण इन दो धाराओं में 60 दिवस में चालान प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं है, नहीं होते हुए 90 दिवस की लिमिटेशन पुलिस के पास चालान प्रस्तुति के लिए है। शासन के द्वारा हमारे द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा श्वेता पति विजय जैन के द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निरस्त की गई है। कोई विशेष टिप दी हो कोर्ट की तरफ से? कुछ विशेष टिप यही दी गई है कि 60 दिवस और 90 दिवस की अवधि जो कि विभिन्न वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अपने न्याय दृष्टांतों में भी डिस्कस की गई है कि यदि अनुसंधान के प्रक्रम पर, अनुसंधान के दौरान यदि FIR में जो धाराएं हैं, FIR में जो लिखित धाराएं हैं और अनुसंधान के दौरान अगर धाराओं में इजाफा होता है, तब अनुसंधान में जो धारा बढ़ाई गई है यदि वे धाराएं में जो सजा उल्लेखित है कानून में वो 10 साल से अधिक से दंडनीय है, जिसे धारा 467 भारतीय दंड विधान में आजीवन कारावास की सजा है, इसलिए 90 दिन की अवधि आकर्षित होती है। पुलिस के पास 90 दिवस की अवधि है जो 16 दिसंबर तक है। जो पांच इसमें श्वेता पति विजय जैन के साथ और भी आरोपी थी पूरे मामले में, तो उनकी तरफ से किसी तरह का कोई कोर्ट में नहीं, अभी तक उनकी तरफ से कोई, सबसे पहली पुनरीक्षण याचिका श्वेता पति विजय जैन के द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी जो आज निरस्त की गई। आपका नाम? अभिजीत सिंह राठौर, अपर लोक अभियोजक, जिला एवं सत्र न्यायालय, इंदौर।